शासन प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले अंधविश्वास मिटाने की, पर आज भी इसका चलन ग्रामीण स्तर पर जोरों से फल फूल रहे हैं, जो सावन मास के महीनों में हर ग्रामीणों में देखने को मिलते हैं। ग्रामीणों के माने तो इस तरह की पूजा पाठ करने से गांव में बुरी आत्मा, जादू टोना, महामारी, माता के प्रकोप से बचाए जाने के साथ साथ मवेशी को भी बीमारियों से बचाए जाने की जो अंधविश्वास का परंपरा है वो आज भी कायम है। इस कार्यक्रम को कराने के लिए गांव के प्रधान को पूजा सामग्री के लिए उचित राशि दिए जाते हैं, जिसमें बेगा सहित गांव के लोगों के द्वारा रात्रि भ्रमण कर गांव के चारों दिशाओं में होम हवन के साथ पूजा अर्चना की जाती है। वहीं सुबह गौठान में पूरे गांव के मवेशी को गौठान में इकट्ठा करवा कर गौठान के चारों दिशाओं में होम हवन बेगा के द्वारा की जाती है। ऐसे ही एक मामला लोरमी के पास गांव पेंड्री तालाब का है, जहां अजीबो गरीब अनोखी पुरानी परंपरा देखने को मिला। जब तक पूजा अर्चना पूर्ण नहीं हो जाते, बेगा के द्वारा अंजल के साथ मल मूत्र त्याग करने के साथ साथ गांव के कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जाते, ना ही कोई नलकूप तालाब से पानी निकालने और ना ही कोई कृषि कार्य करते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले और पूजा अर्चना पश्चात गांव के कोटवार के द्वारा लोगों को सूचना ढिंढोरा पीट कर दी जाती है। ये उपरोक्त जानकारी पूजा अर्चना करने वाले पुजारी बेगा के द्वारा बताया गया कि ये कार्य उनके पूर्वजों के जमाने से करते आने की बात कही। माता देवी के कृपा से ये काम करे जाते और ये सदा पूर्व से चले आ है। ये काम ला हम करतन गांव वाले पूरा सहयोग। क्या इस तरह पूजा पाठ करने से गांव में सुख शांति मिलती है? क्या लोगों के पुराने परंपरा आस्था सही है? एक तरफ शासन प्रशासन यह सब अंधविश्वास मानकर लोगों को इस तरह अफवाहों से दूर करने की समझाइश देती फिर रही है, वहीं ग्रामीण एरिया में चलन आज भी कायम है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।